गाइस यार सच्ची में आजकल लॉस सैंटोस में इतनी ज्यादा लाइट कट रही है ना कि पूछो ही मत। मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऊपर से इतनी गर्मी है ना कि मुझे तो शहर में रहने से ही डर लगने लग गया है। इसीलिए मैंने डिसाइड कर दिया है कि अभी मैं शहर में नहीं यहाँ इस पहाड़ के ऊपर घर बना के रहूंगा। इसीलिए तो मैं इस पहाड़ के ऊपर खुदाई कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर बहुत अच्छा घर बनाऊंगा। अगर कभी यहाँ लाइट चली भी जाए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है कि वो पंखे और एसी को भी फेल कर दे। यार वैसे भूख बहुत तेज लग रही है। ऐसा करता हूँ मैं सिंचन और चॉप को कॉल करके उनसे खाना मंगवा लेता हूँ। यहाँ पर मैं आराम से खुली हवा में खाना खाऊंगा। हेलो सिंचन, जल्दी से तू और चॉप इधर पहाड़ पर आ जाओ मेरे लिए खाना लेकर, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं और चॉप अभी आ रहे हैं। हाँ तो गाइस जब तक सिंचन और चॉप मेरे लिए खाना लेकर आते हैं तब तक मैं थोड़ा लेट जाता हूँ। चल चॉप, हम फ्रैंकलिन भैया को खाना लेकर आते हैं। क्या यार सिंचन, ये कलुआ भी ना हमें चैन से सोने भी नहीं देता। अब इतनी गर्मी में पैदल पैदल पहाड़ पर जाना कितना मुश्किल है। हाँ यार चॉप, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। फ्रैंकलिन भैया भी तो इतनी धूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, और फ्रैंकलिन भैया अकेले थोड़ी रहेंगे वहाँ पर, हम भी तो रहेंगे उनके साथ। हाँ सिंचन, तू एकदम सही कह रहा है। फिर तो चलो हम जल्दी से फ्रैंकलिन भैया को खाना देकर आते हैं। अरे यार ये आवाज कैसी आ रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई गाड़ी आ रही है। कहीं सिंचन और चॉप कार तो लेकर नहीं आया इधर। अरे यार मैं भी ना, हमारे पास तो कार ही नहीं है। सिंचन और चॉप तो पैदल पैदल आते होंगे। ओ भाई साहब, ये तो एक ब्लैक कार है, और देखो ये तो मेरी तरफ ही आ रही है। यार पता नहीं कौन है इसके अंदर। ओ हेलो, कौन है अंदर? ओ तेरी तो, ये तो मेरे पास आ गई। अरे मम्मी रे, इसने तो मुझे ठोक दिया। ओ अरे बाप रे, यार ये क्या हो रहा है, मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। सिंचन चॉप, कहाँ हो तुम, प्लीज मुझे बचाओ। यार मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। यार सिंचन, मेरे तो चल चल कर पैर दर्द करने लग गए। हाँ यार चॉप, पैर तो मेरे भी दर्द कर रहे हैं, लेकिन बस हम पहुँचने ही वाले हैं। यस, आखिरकार हम पहाड़ के ऊपर पहुँच ही गए। अरे सिंचन, ये फ्रैंकलिन भैया कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ यार चॉप, तू एकदम सही कह रहा है। रुक, मैं अभी फ्रैंकलिन भैया को कॉल करता हूँ। यार फ्रैंकलिन भैया तो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। चल चॉप, हम इधर उधर ढूंढते हैं फ्रैंकलिन भैया को। हाँ सिंचन चल। फ्रैंकलिन भैया। ओ फ्रैंकलिन भैया, अरे किधर हो आप? यार चॉप, ये फ्रैंकलिन भैया तो किधर मिल ही नहीं रहे हैं। ओ भाई साहब, चॉप नीचे देख, ये तो हमारे फ्रैंकलिन भैया है। यार चॉप, लगता है फ्रैंकलिन भैया नीचे गिर गए। क्या इसका मतलब हमारे फ्रैंकलिन भैया मर गए? नहीं नहीं चॉप, ऐसा नहीं हो सकता, फ्रैंकलिन भैया को कुछ नहीं हुआ होगा। चल हम नीचे चल कर देखते हैं। मुझे लगता है फ्रैंकलिन भैया बेहोश हो गए होंगे। काश ये बात सच हो जाए। लेकिन सिंचन, अगर फ्रैंकलिन भैया को कुछ हो गया तो? ओ तेरी तो। चॉप देख यहाँ पर, फ्रैंकलिन भैया के अंदर से कितने सारे खून बह रहे हैं। ऐसा करता हूँ मैं फ्रैंकलिन भैया की सांस चेक करता हूँ। अरे अरे चॉप, फ्रैंकलिन भैया तो सांस ही नहीं ले रहे हैं। क्या इसका मतलब फ्रैंकलिन भैया मर गए? यार सिंचन, अब हम क्या करेंगे फ्रैंकलिन भैया के बिना? यार चॉप, फ्रैंकलिन भैया के बिना तो हम पूरे अकेले पड़ गए। कहाँ चले गए मेरे फ्रैंकलिन भैया? फ्रैंकलिन भैया उठो ना। सिंचन, मुझे तो फ्रैंकलिन भैया की बहुत याद आ रही है। तुझे पता है जब हमारे पास बहुत सारा होमवर्क होता था तो फ्रैंकलिन भैया हमारा होमवर्क खुद ही कर देते थे। यार चॉप, आज तो हम खेलने भी नहीं जा सकते, क्योंकि टीचर ने हमें इतना सारा होमवर्क जो दे दिया है, आज तो हमें पूरा दिन घर में बैठकर होमवर्क करना पड़ेगा। और सिंचन चॉप, आ गए तुम? चलो अब जल्दी से स्विमिंग पूल में आ जाओ, हम तीनों आराम से नहाएंगे स्विमिंग पूल में। नहीं आ सकते फ्रैंकलिन भैया। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आज हमारी टीचर ने हमें बहुत सारा होमवर्क दे दिया। अगर आज हमने होमवर्क नहीं किया तो टीचर हमें पूरे स्कूल के सामने मुर्गा बनाएंगी। अरे मेरे सिरो, बस इतनी सी बात तो अभी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं भी तुम्हारा होमवर्क करने में तुम्हारा साथ दूंगा। ओके अब आ जाओ इधर। क्या ये फ्रैंकलिन भैया, आपने तो हमारी आधी टेंशन दूर कर दी। चल चॉप, हम फ्रैंकलिन भैया के साथ नहाते हैं। या तबड़िंगो। ए फ्रैंकलिन भैया, आज तो बहुत मजा आ रहा है आपके साथ स्विमिंग पूल में नहाने में। हाँ सिंचन, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। यार चॉप, अब कौन करेगा हमारा होमवर्क? अभी तो हम दोनों अकेले पड़ गए। ऐसा करता हूँ मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को कॉल करता हूँ और सभी एवेंजर्स को बुला लेता हूँ।
पक्का सारे एवेंजर्स मिलकर फ्रैंकलिन भैया को जिंदा कर देंगे। हाँ तो चौप, अभी मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज को कॉल कर दिया है और वो सब अभी आते ही होंगे। यार डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क को बहुत रोना आ रहा है। जो फ्रैंकलिन बचपन में हमारे साथ रहा वो आज मर गया। अरे मेरे हल्क, तुझे ही नहीं रोना तो मुझे भी आ रहा है। क्योंकि फ्रैंकलिन मेरे बच्चे जैसा था। हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज, और आपको बताएं, एक दिन हमारे पास एक भी रुपया नहीं था और हमको कोल्ड ड्रिंक पीनी थी। उस दिन फ्रैंकलिन अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था। अरे मेरे दोस्तों, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी है? एक मिनट तुम सब यही रुको, मैं अभी आता हूँ। यार आज तो मुझे कैसे भी करके अपने दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक पिलानी ही होगी, लेकिन मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। आइडिया, ऐसा करता हूँ, मैं इस डंडे से दुकानदार को बेहोश कर लेता हूँ और कोल्ड ड्रिंक लेकर भाग जाता हूँ। लो भैया मुझे दो कोल्ड ड्रिंक देना। हाँ अभी देता हूँ। यस गाइस, आखिर मैंने इसे बेहोश कर ही लिया। चलो अब जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लेकर भाग जाता हूँ। लो भाइयों, मैंने बोला था ना आज मैं तुम्हें कैसे भी करके कोल्ड ड्रिंक पिला दूंगा। अरे मेरे बच्चे, आज तो मैं तुझे मान गया। यार स्पाइडरमैन, अब हमको कोल्ड ड्रिंक कौन पिलाएगा? अरे ये रहे सिंचन चौप, यहीं पर रोक दो गाड़ी को। अरे सिंचन चौप मेरे भाइयों, ये सब क्या हो गया फ्रैंकलिन के साथ? अरे हेल्प भैया, हमें भी नहीं पता फ्रैंकलिन भैया कैसे मर गए। डॉक्टर स्ट्रेंज प्लीज, आप कैसे भी करके फ्रैंकलिन भैया को जिंदा कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे मेरी माँ, देखो मेरा बच्चा कैसे मरा हुआ पड़ा है। सिंचन मेरे टिंगू, एक उपाय है जिससे हम फ्रैंकलिन को जिंदा कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक ऐसा पोर्टल क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी मदद से हम फ्रैंकलिन के पास्ट में जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि फ्रैंकलिन को किसने मारा। अगर हमने फ्रैंकलिन के कातिल को पास्ट में ही मार दिया तो फ्रैंकलिन को जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, अगर कातिल नहीं मरा तो पोर्टल में जाने वाले को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं जाऊँगा पोर्टल के अंदर। अरे स्पाइडरमैन तू चुपचाप बाहर ही पड़ा रहे, मैं जाऊँगा अंदर। अरे हल्क भैया और स्पाइडरमैन भैया, तुम दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाऊँगा फ्रैंकलिन भैया के पास्ट में। अबे टिंगू तू चुपचाप बाहर ही खड़ा रहे, तू नहीं मार पाएगा फ्रैंकलिन के कातिल को। अरे हल्क भैया आप टेंशन मत लो, मैं मार दूंगा फ्रैंकलिन भैया के कातिल को। अरे सिंचन तू रहने दे, हल्क भैया को जाने देना, अगर तुझसे कातिल नहीं मरा तो तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा, फिर मैं तुम्हारे बिना अकेला कैसे रहूंगा। हाँ सिंचन चौप एकदम सही कह रहा है। अबे चुप करो तुम दोनों, जाऊंगा तो मैं ही, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। सिंचन मेरे बच्चे, ऑल द बेस्ट है तुझे, बहुत संभल के जाना और उस कातिल को मार देना। ओ आखिर मैं सही सलामत नीचे उतर गया। चलो अब जल्दी से पता लगाते हैं कि फ्रैंकलिन भैया को किसने मारा। ओ तेरी तो, ये रहे मेरे फ्रैंकलिन भैया, देखो तो सही, इतनी धूप में भी बेचारे फ्रैंकलिन भैया काम कर रहे हैं। लेकिन फ्रैंकलिन भैया को क्या पता कि थोड़ी देर बाद कोई इनको मारने वाला है। ओ तेरी तो, ये तो रेड हल्क है, और देखो ये तो फ्रैंकलिन भैया की साइड ही आ रहा है, कहीं इसने ही तो फ्रैंकलिन भैया को नहीं मारा है। अरे फ्रैंकलिन, आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए आज मैंने बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो तुम सबको जरूर आना है मेरी बर्थडे पार्टी में। अरे हैप्पी बर्थडे रेड हल्क, और तू टेंशन मत ले, आज मैं सिंचन और चौप जरूर आएंगे तेरे बर्थडे पे। अरे वाह फ्रैंकलिन, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी लोगों को इनविटेशन देना है। नहीं यार, रेड हल्क ने नहीं मारा फ्रैंकलिन भैया को, ये तो बेचारा फ्रैंकलिन भैया को इनविटेशन देने आया था। लेकिन एक सेकंड यार, उधर ऊपर कौन है? ओ भाई साहब, ये तो ब्लैक फ्रैंकलिन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पक्का इसी ने ही फ्रैंकलिन भैया को मारा है, मुझे इस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। यार ये फ्रैंकलिन तो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहा है, अब ये यहाँ पर घर बनाएगा, ऐसे तो ये बहुत अमीर बन जाएगा। लेकिन नहीं, ब्लैक फ्रैंकलिन ऐसा कभी नहीं होने देगा, अगर ये अमीर बन गया तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। अब भी देखो मैं इसे पहाड़ से धक्का दे देता हूँ, फिर ये मर जाएगा। ओ माय गॉड गाइस, ये ब्लैक फ्रैंकलिन तो फ्रैंकलिन भैया को यहाँ से धक्का देने वाला है, इससे पहले ये फ्रैंकलिन भैया को धक्का दे, चलो मैं इसे उड़ा देता हूँ। यस गाइस, आखिर मैंने फ्रैंकलिन भैया के कातिल को मार ही दिया। अरे ये मैं कहाँ पर हूँ? ओ तेरी तो, एवेंजर्स भाइयों, लगता है सिंचन ने फ्रैंकलिन भैया के खूनी को मार दिया, इसीलिए फ्रैंकलिन भैया को होश आ गया। क्या बात कर रहा है चौप, मेरा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अरे ये तुम सब क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे आया, मैं तो पहाड़ पर खुदाई कर रहा था। अरे वो सब छोड़,
छोड़ना फ्रैंकलिन। चलो भाइयों, हम सब डांस करते हैं फ्रैंकलिन के जिंदा होने की खुशी में। अरे हल्क, जिसने फ्रैंकलिन की जान बचाई है उसको तो आने दो। अरे अरे डॉक्टर स्ट्रेंज, देखो देखो मैं आ गया। ये फ्रैंकलिन भैया आप ठीक हो गए? सिंचन मेरे बच्चे, आखिर तूने अपनी जान को रिस्क में डालकर फ्रैंकलिन को बचा ही लिया। चलो अब डांस करते हैं। अरे हल्क तो देखो कैसे नाच रहा है। यार डॉक्टर स्ट्रेंज, आप तो बहुत अजीब तरह से नाच रहे हो। हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज, ये डांस आपने कहाँ पर सीखा? अरे सिंचन, ये डांस मैं हॉलीवुड से सीख कर आया हूँ। अरे वाह यार डॉक्टर स्ट्रेंज, डांस तो तुम्हारा बहुत औसम है।